ये वीडियो मुकम्मल बहावलपुर की बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए। तो ये तो अगले वीडियो का पार्ट ये होगा जो मैंने इसके ऊपर लिखा है कि अगली वीडियो में 10,000 जगह की सैर कराएंगे आपको। नंबर 1 भावलपुर का जो मशहूर चिड़ियाघर है, जिसे हम आप जू भी कहते हैं, और मशहूर पार्कों में से कुछ पार्क भी हैं, और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। बाकी सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इंजॉय दिस आवर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आज आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको मरोड़ से लेकर बहावलपुर तक सफ़र करवाया, यानी कि सफ़र में एंजॉय किया, वो सबको सब कुछ दिखाया आपको। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसकी से सैर करेंगे बहावलपुर की, तो मैं मुकम्मल वीडियो बनाने लगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने लग गई थी। मैंने कहा कि इतनी लंबी क्या करनी है, आप लोगों ने देखनी तो है नहीं, तो मैंने इसको कुछ एपिसोड्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आज का जो पार्ट हुआ नंबर 1 है, उसमें मैं आपको फ्रीज गेट की सैर करवाऊंगा, जो कि बहावलपुर का मशहूर शॉपिंग बाज़ार है और बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो इंजॉय कीजिएगा और देखिएगा वहाँ पर कितनी भीड़ है। दोस्तों फाइनली हम जो है यूनिवर्सिटी चौक में पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी चौक जो है आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यूनिवर्सिटी चौक यहाँ पर गुप्तला मकामा की सैर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, ओके, मिलते हैं। क्या वो कितने खड़े हैं आप? आ गए हैं, आपके प्यार की एक नजर चाहिए, आपके प्यार की एक नजर चाहिए। दिल है बेघर, इसे एक घर चाहिए। बस यूं ही देख कर मुस्कुराते रहो, बस यूं ही देख कर मुस्कुराते रहो, बस यूं ही देख कर मुस्कुराते रहो। ये सहारा मुझे उम्र भर चाहिए, दिल है बेघर, किसे एक घर चाहिए। हम सफर चाहिए उम्र भर चाहिए। भाईजान यह फ्रेंड का आ चुका है, भाई जान दे दो चला भाई, चला भाई। यार आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो यार। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड कमेंट। नहीं, हम कहाँ पहुँच गए हैं? भावलपुर में पहुँच गए हम, फरीद गेट में। फरीद गेट में से आगे आकर शाही बाजार जो है ना, वहाँ पर आ गए। तो जी भाई उधर क्या है? जी भाई उधर क्या है? एडी एडी गलियाँ, वहाँ से जब मौसम गुजारना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, तो जी ये जगह कौन सी है? ये मौला गंज शरीफ, गंज शरीफ फरीद गेट के आगे। हाँ, मौला गंज शरीफ शाही बाजार, ठीक है। और ये दुकान है सुफी मोहम्मद सदीक की, शहद देसी घी की, खालिस शहद देसी। शहद भी यहाँ पर मिलता है? जी शहद मिलता है, और शहद के अलावा शापर मिलते हैं, शापर और ये ऊन वगैरह। जी बिल्कुल, ये शापर वगैरह बहुत अच्छा। इसका नंबर ये देखे, खालस शालस, वाह माशाल्लाह।
तो यहाँ पर आपके जो है दिहाड़ी ठीक ठाक अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम पड़ा है, अल्लाह का हमें शुक्र ही चाहिए। हाँ, शुक्र है ठीक हो गया। तो हम ना यहाँ पर पहली बार आए हैं। कहाँ से? यहाँ से आए हैं मरोड से। अच्छा, मरोड ये फोटाबास? जी जी, फोटाबास के साथ है। तो हमें पता नहीं है ना इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो अब मेरे मुझे व्हाट्सअप करना ना, ये मेरी बनाई है। जी बिल्कुल, व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई नंबर मेरा इसमें आ गया, क्या ले लेना। ठीक है, नंबर साथ में दिखा था। हाँ बस ठीक है। अगर किसी भाई को यजमान या बहावलपुर या इसके करीब एरिए में खालस शहद या खालस देसी घी की ज़रूरत हो तो इस नंबर सामने जो स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ये फरीद गेट में अंकल जी रहते हैं, इससे ज़रूर रब्ता करें। तो दोस्तों आपने क्या लेना है? फ्रीज गेट के अंदर जूते की एक सेल लगी थी। ये दो लाइन जो है वो हर जोड़ी और जो नंबर वन पे है उसको है 400 रुपये। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है सस्ती लेने हैं तो आप गेट जरूर जाएं, उसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा। प्रदान में जो है आ चुके हैं और अब जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आगे, तो रहिएगा साथ। प्लेन पड़ा अब आ गए हैं हम सेल वाली दुकान पर। यहाँ पर 150 रुपये में हर अच्छी चीज़ मिलती है, मतलब इस सेल है, सेल यहाँ पर लगती है। बहुत सारा सामान है और बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो बिल्कुल सस्ती मिल जाती हैं 150 रुपये में, हर चीज़ 150 रुपये में। कर दिया प्यार जे तू पुछदा है यारा, तू ते साहा तू ही नेड़े, तू ते जान तू ही प्यारा, तू ते साहा तू ही नेड़े, तू ते जान तू ही प्यारा। सानू लगे असी पागा वाले होए, रहिए हर वेले तेरे ख्यालां विच खोए, तैनू पाके सानू लगे असी पागा वाले होए, साडा तेरे ना जहान तू ही जीने। तो दोस्तों जैसा कि आपने फरीद गेट जो है उसको बाज़ार जो है आपने अच्छी तरह घूमा देखा अच्छी तरह से, तो अब हम जा रहे हैं जिसकी आपको इंतज़ार थी, IUP।
जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी सैर करवाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको फुल इंटरटेन करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, कोरोना की वजह से शायद बंद हो ना बंद हो ये पता नहीं है, तो अल्लाह करे कि जो है IUP ओपन हो और हमें जाने दे, ठीक है। अगर ना जाने दिया तो काम ख़राब हो जाएगा, तो फिर चलो आप देखते हैं क्या होता है। तैनू दिल दे महल विच रखे आलको के साडे नैणा वल वेखी किते सामने खलो के तैनू दिल दे महल विच रखे आलको के साडे नैणा वल वेखी किते सामने खलो के। आ गई भाई आ गई, वाह जी वाह, यूनिवर्सिटी IUP बहावलपुर आ गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आपके सामने है, और उसका जो आउटसाइड है सामने से जो मेन गेट है वो देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पर क्लासेस होती हैं, तो फिर आगे देखते हैं गार्ड्स खड़े हैं तो क्या होता है, चेक करते हैं। तो दोस्तों हम जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस में गए थे, लेकर उन्होंने हमें जो है अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया कोरोना की वजह से। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया पार्ट्स में। तो अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें मुझे।